टॉर्नेडो एक अत्यंत तीव्र और घूर्णनशील वायु स्तंभ है जो मेघों से धरती तक फैला होता है। यह प्रचंड प्राकृतिक घटना मुख्य रूप से गरज के तूफानों थंडर स्टॉर्म्स के साथ होती है और विनाशकारी हो सकती है। इसे हिंदी में बवंडर या चक्रवात भी कहा जाता है। टॉर्नेडो कैसे बनते हैं? टॉर्नेडो के बनने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसमें कई कारक शामिल होते हैं, स्थानीय वातावरण और मौसम की स्थिति। टॉर्नेडो बनने के लिए विशेष वातावरणीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गरज के तूफानों का गठन, जिसके लिए गर्म नम वायु और ठंडी शुष्क वायु का मिलना जरूरी है। मेघमाला और सुपरसेल। सुपरसेल गरज के तूफान के सबसे खतरनाक प्रकार होते हैं और यही टॉर्नेडो के निर्माण का प्रमुख कारण होते हैं। सुपरसेल में एक मेसोसाइक्लोन नामक घूर्णनशील वायु क्षेत्र होता है जो टॉर्नेडो बनने की संभावना को बढ़ाता है। हवा की दिशा और गति। विभिन्न स्तरों पर हवा की दिशा और गति में बदलाव विंड शियर मेसोसाइक्लोन को स्थिर रखने में मदद करता है और इसे मजबूत बनाता है। विभिन्न तापमान और दाब। गर्म और नम हवा का ऊपरी ठंडी हवा से मिलना वायु के घूर्णनशील स्तंभ का निर्माण करता है। यह स्तंभ बादलों से नीचे की ओर बढ़ता है और अंततः धरती से मिल जाता है, जिससे टॉर्नेडो बनता है। टॉर्नेडो के लक्षण और संरचना। वायु की तीव्र गति। टॉर्नेडो में वायु की गति बहुत तीव्र होती है, जो 300 मील प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है। घूर्णनशील स्तंभ। यह स्तंभ आकार में बहुत संकरा और लंबा हो सकता है, जिससे यह एक दृश्य त्रासदी का रूप लेता है। मौसम परिवर्तन। टॉर्नेडो के कारण वातावरण में अचानक और तीव्र बदलाव आते हैं, जैसे कि तापमान में गिरावट और भारी बारिश। टॉर्नेडो के प्रकार। वाटरस्पाउट्स। ये पानी की सतह पर बनने वाले टॉर्नेडो होते हैं और कम विनाशकारी होते हैं। लैंडस्पाउट्स। ये भूमि पर बनने वाले टॉर्नेडो होते हैं जो सुपरसेल्स के बिना बनते हैं और सामान्यतः कमजोर होते हैं। मल्टीवॉर्टेक्स टॉर्नेडो। इनमें कई घूर्णनशील स्तंभ होते हैं जो मुख्य टॉर्नेडो से जुड़े होते हैं। टॉर्नेडो का प्रभाव। भौतिक क्षति। टॉर्नेडो इमारतों, वाहनों, पेड़ों और संचार व्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंचा सकते हैं। जीवन की हानि। तीव्र टॉर्नेडो बहुत जानलेवा हो सकते हैं और बड़ी संख्या में लोगों की जान ले सकते हैं। आर्थिक प्रभाव। टॉर्नेडो के कारण होने वाले विनाश से आर्थिक नुकसान बहुत अधिक होता है, जिसमें पुनर्निर्माण और राहत कार्यों की लागत शामिल होती है। टॉर्नेडो की भविष्यवाणी और सुरक्षा। मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञानियों द्वारा उपग्रह और रडार तकनीक का उपयोग करके टॉर्नेडो की भविष्यवाणी की जाती है। चेतावनी प्रणाली। विभिन्न चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से लोगों को समय पर सूचना दी जाती है ताकि वे सुरक्षित स्थान पर जा सकें। तैयारी और प्रशिक्षण। टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों की जानकारी और आपातकालीन किट की तैयारी के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। टॉर्नेडो एक अत्यंत विनाशकारी प्राकृतिक घटना है जो सही मौसम और वातावरणीय परिस्थितियों में बनती है। यह पर्यावरण, मानव जीवन और संपत्ति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसके खतरों से निपटने के लिए उन्नत मौसम विज्ञान, चेतावनी प्रणाली और तैयारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।